देवी भागवत में एक अद्भुत कथा है कि पहले समय में एक वेदवती नाम की कन्या थी। वेदवती वह वन में घनघोर तप करती थी। एक बार रावण वहाँ निकला, उसने उससे रूप को देख करके उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि अपने आज भी विदेशों में सुंदर देख करके प्रस्ताव रख देते हैं लोग कि सोनिया तो प्रस्ताव रख दो। बस यही सबसे बड़ी कमजोरी है। सूर्पणखा ने राम को देख करके विवाह का प्रस्ताव रख दिया, रावण ने वेदवती को देख करके विवाह का प्रस्ताव रख दिया, पर उसने कर दिया इनकार कि भाई मैं तो विवाह तेरे साथ में, मैं भजन करने साधना करने आई हूँ। रावण ने कहा हम ही ना करने वाला कौन पैदा हो गया भाई। आजकल ये दुष्ट नेता बैठता है, अभिनेता क्या सोचते हैं, हम इतने धनवान इतना ना पड़ेगा, जो करे सो करे, तो मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते। रावण ने कहा हमारा हाथ हम ना करने वाला कौन, तो उसने जबरदस्ती वेदवती का हाथ पकड़ा। वेदवती ने कहा भाई पुरुष का यदि स्त्री को हाथ छू जाए तो स्त्री का शरीर अपवित्र हो जाता है। अब आज की बात छोड़ दीजिए महाराज, क्या बताया पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब देखो वेदवती वो साधना करने वाली थी, उन्होंने रावण को कहा, रावण ने उनका हाथ पकड़ लिया कि मैं तो तुझे जबरदस्ती ले करके जाऊंगा। वेदवती ने कहा पापी तूने मेरे शरीर को छू करके अपवित्र कर दिया, अब यह शरीर अशुद्ध हो गया है, अब मैं इसको रखूंगी नहीं, तेरे वंश का नाश करने का कारण मैं बनूंगी। हाँ तेरे वंश का नाश करने का कारण मैं ही बनूंगी, चिंता मत कर। और आज के बाद सुन ले, किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेगा तो जा तू वहीं जल करके भस्म हो जाएगा। जबरदस्ती करेगा इस तरह का काम करेगा तो जा तेरा नाश हो जाएगा। महाराज ये देखो जबरदस्ती करेगा तो तेरा, आज भी पश्चिम में अमेरिका में सब में हम कानून लोगों से पूछते रहे थे भैया तुम्हारे यहाँ क्या कानून है, कहा हमारे यहाँ कोई जबरदस्ती करे तो उसको दंड मिलता है। तो प्रेमियों ध्यान देने की बात है, वेदवती ने रावण को शाप दिया, रावण ने स्पर्श किया तो उसके बाद वेदवती ने अपना शरीर जला दिया और जला करके मिट्टी में मिल गई, और मिट्टी के अंदर मिल करके वही मिट्टी में से सीता बन करके निकल करके महाराज शक्ति बन करके रावण का नाश किया। तो ये बहुत बढ़िया है। अब आप में देवी माँ आए बहुत बढ़िया है, दुर्गा जी आए बहुत बढ़िया है, लेकिन इस तरह के नाटक न करना भाई, कोई तुम्हारे शरीर को छुए। सिंह जो होता है और सत्य जिसमें आता है ऐसी नारी, हाँ सिंह का कोई शरीर छू सकता है क्या? ऐसे जिसमें देवी माँ आती है उसका कोई शरीर, यदि करे तो भैया हमारी देवी भागवत के अनुसार केवल नाश ही है और कुछ नहीं होता है। हाँ ध्यान देना इस बात के ऊपर आप लोग। रावण ने सीता जी से कितनी बार कहा कि मेरी पटरानी बन जा, ये बन जा वो बन जा, लेकिन महाराज सीता जी मानी के? उसने तो कहा था मास दिवस जो कहा न माना, हम एक महीने नहीं मानी तो तलवार से सीता जी ने कहा ठीक है। अरे और तो बात छोड़ो, हनुमान जी ने कहा माँ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको अभी ले चलता हूँ और राम जी से मिला देता हूँ, क्यों आंसू आ रही है? हनुमान जी ने जानकी जी से कहा, जब जानकी जी बहुत रोई तो हनुमान जी ने कहा माँ इसमें रोने का क्या काम है, आ मेरे कंधे पर बैठ। न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलो भवेत, 10,000 रावण भी मुझे रोक नहीं सकते माँ, मैं अपने पैर से लंका को समुद्र में फेंक दूंगा और मेरे हंकार से सारे दानवों को मार डालूंगा। क्या हनुमान जी का है? न रावण शास्त्र में, संस्कृत समझो ना, न रावण शास्त्र, 10,000 रावण भी युद्धे प्रतिबलो भवेत, शिराविश्च पदाविश्च, मेरे हाथों से पांव से इसकी सारी सेना को मर्दयित्वा पुरीं लंकां मादाय च वैदेहीं
सीता जी को लेकर के लंका को तहस नहस करके, माँ बेट मेरे कंधे पर बैठा, मैं तेरे को ले चलूं। सीता जी ने कहा बेटा तुम मेरे पुत्र के समान हो, लेकिन राम को छोड़ करके आज तक मैंने किसी को अपना हाथ दिया नहीं। बेटा जा, तेरा बल बहुत है, तेरी ताकत बहुत है, लेकिन राम जी से कह जाके युद्ध करके मुझे लेकर के जा। चाहती तो हनुमान जी के कंधे पर बैठ के नहीं आती क्या? जो पहाड़ ना उठा के ला सके, सूरज का कलेवा कर सके और समुद्र को लांग सके, वो सीता को नहीं ला सकेगे? ध्यान देना, देवी भागवत का राम चरित्र सुन रहे हैं आप। तो महाराज बहुत है, बहुत ही सोने देखने लायक चीज है। तो अपने को देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्ययः, ये ठाकुर जी की दिव्य माया है। तो आइए महाराज हम आपको बस रामचरित्र के बारे में, क्योंकि कथा का प्रसंग बहुत बड़ा है, तो हम प्रणाम करते हुए बस आपको इतना ही कहेंगे कि आप रामचरित्र में भी देखें, बिना देवी की कृपा के राम जी का काम चलने नहीं पाया है। इसलिए भाई राम जी को भी पाना है तो भैया तुम्हें एक कमाई करनी पड़ेगी जिसका नाम है भजन। ये क्या है? ये भी एक शक्ति है। मैंने बताया ना, धन हो तो आप धनवान, विद्या हो तो आप विद्वान, ज्ञान हो तो आप ज्ञानवान। इसी तरह आपके अंदर भक्ति हो तो आप भक्तवान हो जाते हैं। और ये भक्ति क्या है? का ये भी मेरी माँ दुर्गा की। इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम वचन चतुराई, क्रम वचन चतुराई, मन क्रम वचन चतुराई। चलो हाथ जोड़ो, सिया राम मय सब जग। दो ही चीज है दुनिया में, ईश्वर और ईश्वर की माया। रे भाई, सिया और राम जी, राधा और कृष्ण जी, दो ही चीज है, तीसरी चीज दुनिया में नहीं है। या तो ब्रह्म है या ब्रह्म की शक्ति है। सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम मेरी माँ को प्रणाम, मेरी माँ की शक्ति को प्रणाम, जड़ चेतन जग जीव जहाँ लो, सकल राम मय जानी, बंदाऊ सब के पद कमल सदा जोर जुग पानी, सिया राम मय जग जानी। बोले कृष्ण, सियावर राम चंद्र की जय।